यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 40। जब जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को रामा में उन सब यरूशलेमी और यहूदी बंधुओं के बीच हथकड़ियों से बंधा हुआ पाकर जो बाबुल जाने को थे छुड़ा लिया, उसके बाद यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। जल्लादों के प्रधान नबूजरदान ने यिर्मयाह को उस समय उसके पास बुला लिया और कहा, इस स्थान पर यह जो विपत्ति पड़ी है वह तेरे परमेश्वर यहोवा की कही हुई थी, और जैसा यहोवा ने कहा था वैसा ही उसने पूरा भी किया है। तुम लोगों ने जो यहोवा के विरुद्ध पाप किया और उसकी आज्ञा नहीं मानी, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब मैं तेरी इन हथकड़ियों को काटे देता हूं, और यदि मेरे संग बाबुल में जाना तुझे अच्छा लगे तो चल, वहां मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और यदि मेरे संग बाबुल जाना तुझे न भाए तो यही रह जा। देख, सारा देश तेरे सामने पड़ा है, जिधर जाना तुझे अच्छा और ठीक जचे उधर ही चला जा। वह वही था कि नबूजरदान ने फिर उससे कहा, गदल्याह जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, जिसको बाबुल के राजा ने यहूदा के नगरों पर अधिकारी ठहराया है, उसके पास लौट जा और उसके संग लोगों के बीच रह, वा जहां कहीं तुझे जाना ठीक जाना पड़े वही चला जा। सो जल्लादों के प्रधान ने उसको सीधा और कुछ द्रव्य भी देकर विदा किया। तब यिर्मयाह अहीकाम के पुत्र गदल्याह के पास मिस्पा को गया और वहां उन लोगों के बीच जो देश में रह गए थे रहने लगा। योद्धाओं के जो दल देहात में थे, जब उनके सब प्रधानों ने अपने जनों समेत सुना कि बाबुल के राजा ने अहीकाम के पुत्र गदल्याह को देश का अधिकारी ठहराया है और देश के जिन कंगाल लोगों को वह बाबुल को नहीं ले गया, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बाल बच्चे, उन सबों को उसे सौंप दिया है। तब नतन्याह का पुत्र इश्माएल, कारेह के पुत्र योहानान और योनातान और तन्नूसेत का पुत्र सरायाह, एपे नतोपावासी के पुत्र और किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह अपने जनों समेत गदल्याह के पास मिस्मा में आए, और गदल्याह को अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता था, उसने उनसे और उनके जनों से शपथ खाकर कहा, कश्तियों के अधीन रहने से मत डरो, इसी देश में रहते हुए बाबुल के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। मैं तो इसलिए मिस्पा में रहता हूं कि जो कश्ती लोग हमारे यहां आए उनके सामने हाजिर हुआ करो, परंतु तुम दाखमधु और धूपकाल के फल और तेल को बटोर के अपने बर्तनों में रखो और अपने लिए हुए नगरों में बसे रहो। फिर जब मोआबियों, अम्मोनियों, एदोमियों और अन्य जातियों के बीच रहने वाले सब यहूदियों ने सुना कि बाबुल के राजा ने यहूदियों में से कुछ लोगों को बचा लिया और उन पर गदल्याह को, जो अहीकाम का पुत्र और शापान का पोता है, अधिकारी नियुक्त किया है, तब सब यहूदी जिन जिन स्थानों में तितर बितर हो गए थे वहां से लौटकर यहूदा के मिस्पा नगर में गदल्याह के पास आए और बहुत दाखमधु और धूपकाल के फल बटोरने लगे। तब कारेह का पुत्र योहानान और मैदान में रहने वाले योद्धाओं के सब दलों के प्रधान मिस्पा में गदल्याह के पास आकर कहने लगे, क्या तू जानता है कि अमोनियों के राजा बालिस ने नतन्याह के पुत्र इश्माएल को तुझे जान से मारने के लिए भेजा है, परंतु अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने उनकी प्रतीति न की। फिर कारेह के पुत्र योहानान ने गदल्याह में मिस्पा में छिपकर कहा, मुझे जानकर नतन्याह के पुत्र इश्माएल को मार डालने दे और कोई इसे न जानेगा, वह क्यों तुझे मार डाले, और जितने यहूदी लोग तेरे पास इकट्ठे हुए हैं
वे क्यों तीतर बितर हो जाए और बचे हुए यहूदी क्यों नाश हो। अहीकाम के पुत्र गदल्याह ने कारेह के पुत्र योहानान से कहा, ऐसा काम मत कर, तू इश्माएल के विषय में झूठ बोलता है।